दोस्तों आप यहां डिस्प्ले में देख सकते हैं कि 1354 सब्सक्राइबर है अभी, ठीक है, सामने दिखाई दे रहा है आपको। और यहां पर देखिए व्यूज जो जा रहे हैं 20 घंटा में 1.6K, ठीक है। एक दिन पहले मैं डाला, देखिए ये वाला वीडियो 1.7K व्यूज जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब में 1.K चल ही जा रहा है, कुछ में देखिए कम भी जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर कंटेंट में मैं आता हूँ, देखिए सब ठीक है। 705, 532, 133 जो प्रमोशन किया था मैं ब्रांड का एक्ट हो, ठीक है। इसमें देखिए 3K व्यूज़ है ना, 251 सब में, मतलब कुछ कम बेसी चल रहा है दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों कम व्यूज से परेशान हैं कि भाई 7-8-10 महीने से आप काम कर रहे हैं, लगभग बस 7 व्यूज 10 व्यूज 15 व्यूज ही आ रहा है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। जो मैं आज सिखा दूंगा ना दोस्तों, वो आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। और एक बात मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा गमछा में जो लगा करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरा बैकग्राउंड वगैरह मत देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है तब, क्योंकि भाई मेरे पास एसी वगैरह नहीं है कि मैं गर्मी के मौसम में मस्त अपना एसी चालू करके और आपको एक स्टूडियो में बैठ करके वीडियो बना के मैं दे पाऊंगा, ठीक है, वो तो नहीं है मेरे पास। मगर एक चीज़ है जो मैं सीखा हूँ आज तक 8 महीना काम करके यूट्यूब पर, कि आखिर वीडियो को हम कैसे चला सकते हैं। अगर कम व्यूज आ रहा है 7-8-10-15-20-25 व्यूज, तो उससे हम ज़्यादा व्यूज कैसे ले सकते हैं, चाहे आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको कन्फर्म आज एकदम मतलब ठोक ठकार के बता देने वाला हूँ, क्लियर। मैं कोई चीज़ जो है ना कि बीच में पर्दा वाला काम नहीं करता हूँ कि कुछ ऐसा छुपा करके बताना। आप हैं तभी हम हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, कहाँ दिखाएंगे वीडियो, कौन हमारा वीडियो देखेगा, कोई नहीं देखेगा ना मेरे भाई। इसलिए आपको साथ में लेके चलना मेरा बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी एक तरफ से होता है कि आपको सही चीज़ें बताऊं मैं, ठीक है। तो बात को मैं जो बोलना चाह रहा था समझ गए होंगे आप, इसको इग्नोर करना। आपको जो ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अपने पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, जो है भाई गरीब का झोपड़ा यही है, ऐसी में से वीडियो बना के मैं आप लोग को देता हूँ दोस्तों। जहाँ मैं अभी आया हूँ बिहार में, बाकी मैं अपने घर पर जाऊँगा तो वहाँ पर भी कुछ खास उतना बड़ा नहीं है, वहाँ भी एसी नहीं लगा हुआ है। मगर हाँ ये है कि थोड़ा सा वहाँ लाइन बत्ती रहता है, थोड़ा सा तो चकाचक रहता है, तो उसको वीडियो बनाने में मजा आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मेन चीज़ पे चलते हैं दोस्तों कि आखिर ये सब वीडियो क्यों चल रहे हैं, आखिर 1300-1400 मतलब सब्सक्राइबर करीब में 1350 है, मैं व्यूज जो है 3000 चला जा रहा है, किसी में 1500, किसी में 1.7 1.6 के, ऐसा क्यों जा रहा है, क्या आखिर क्या मैं कर रहा हूँ वो चीज़, आप क्यों नहीं कर पा रहे, आपका 7-10-15-25-50 ही व्यूज क्यों रह जा रहा है। सिंपल सा बात है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे मेन चीज़ तो आता है इसमें, देखिए चैनल पे वीडियो अपलोडिंग मेन चीज़ जो दोस्तों आता है, बाकी और भी चीज़ मैं समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। समझदारी से बस वीडियो को देखिए, मैं बोला ना कि इधर उधर का बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखना आपको, वीडियो को समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ जाएंगे आप ना, तो एक नहीं दो नहीं तीसरा चौथा पांचवा वीडियो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरा पर्दा हटा करके समझाने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आपसे कि आप लोग यार वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है, लाइक भी करते हैं, ज़्यादा लाइक नहीं होता, बताइए 1.7 के ये करीब में व्यूज़ गया इसमें ना, अब उसमें 150 लाइक के करीब में आ रहा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आपसे कि एक लाइक इसमें मार दीजिए वीडियो में, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि एकदम क्लियर कट में मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। अभी तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ व्यूज़ के ऊपर, और भी मैं वीडियो आपको आगे देता जाऊँगा कैसे कैसा कि मैं क्या करता हूँ कि व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, बस ये जानना बहुत जरूरी है। अगर व्यूज़ आपके यूट्यूब पर आएगा तो सब कुछ आएगा दोस्तों, वॉच टाइम आएगा, सब्सक्राइबर आएगा, सब कुछ मतलब व्यूज़ के ऊपर है, व्यूज़ नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। व्यूज़ लाना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी तरह से हम लाएँ, ओके। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक वीडियो ये है, हम जब वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों, मतलब जब ये हम बनाते हैं वीडियो कोई भी, मैं अपना चीज़ देखिए दोस्तों बता रहा हूँ, मैं दुनियादारी का बात नहीं करता कि दुनिया कैसे करता क्या करता, वो समझे हमको उससे मतलब नहीं है। हम अपना जैसे मतलब जो हम करते हैं वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ, जब उसको एक्सपोर्ट करता हूँ काइन मास्टर से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर काइन मास्टर देखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों देख सकते हैं, ये काइन मास्टर है ना, जब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से वीडियो, जैसे कोई मान लीजिए वीडियो यहाँ बना लिए हम, ठीक है, यही मान लीजिए वीडियो है हमारा, ठीक ना, इसको हम जैसे कि यहाँ से एक्सपोर्ट करने आए, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ठीक है, तो इसको हम फुल HD में एक्सपोर्ट करते हैं अभी, मतलब जहाँ पर रह रहे हैं, नहीं तो अपने घर पर रहते हैं तो 4K में कम से कम इसको अपलोड करते हैं हम दोस्तों, ठीक है, 4K रहता है। तो ये फुल HD, कम से कम फुल HD क्यों करना है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो अच्छा रहे। अब भाई कैमरा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तो ये सड़ा हुआ कैमरा में आप देख रहे हैं, एकदम OPPO A37 है ये बहुत पुराना मोबाइल है, मतलब जिसका जिस हिसाब से इसमें पैसा लगा तो उस हिसाब से इसका कैमरा मतलब ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल मेरे पास यही है तो इसलिए इसी से मैं शूट कर रहा हूँ, नहीं तो वहाँ मैं जाता हूँ तो Samsung M31 है, नहीं तो OPPO Reno6 Pro है शायद, हाँ वही है,
5G मोबाइल है, उससे बड़ा अच्छा वीडियो शूट होता है। आप मेरा पहले का वीडियो जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है कि थोड़ा सा HD में वीडियो आपको शूट करना है, जितना आपके पास हो उतना ही में, मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 लाख का कैमरा लेकर के आप बनाइए वीडियो, ऐसा नहीं है। HD में ही वीडियो आप थोड़ा सा शूट करिए, ठीक है। थोड़ा सा MB बढ़ेगा उसका, मानता हूँ, अपलोडिंग में पैसा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा आपका डाटा मतलब लगेगा, मगर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम वीडियो यूट्यूब पर एक दिन के लिए नहीं डालते, ठीक है, या एक घंटा के नहीं डालते, हम सोचते हैं उससे हमारा जिंदगी भर काम चले दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ गया आपको एक्सपोर्ट कहाँ करना है, फुल के में चाहे तो, नहीं तो HD में तो बिल्कुल करना ही करना। उसके बाद आपका वीडियो अपलोड मतलब कि ये हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर गैलरी में आना है, और जैसे ही गैलरी में आप आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे जाएगा, जो भी आप मतलब बनाए होंगे वीडियो, जैसे कि मान लीजिए यही मेरा वीडियो था, इसका आपको क्या करना है कि नाम दोस्तों दे देना, रीनेम, ठीक है। कभी भी आप वीडियो बनाइए ना, तो उसका रीनेम देना जरूरी है दोस्तों। जब भी आप यूट्यूब पे अपलोड करिए तो पहले उसमें नाम जरूर दे दीजिए अपना वीडियो का, ठीक है, रीनेम कर देना है। उसके बाद आपका नाम भी दिया गया, एक्सपोर्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि बहुत से लोगों का डाउट रहता है यहाँ पर कि भाई हम वीडियो यूट्यूब से अपलोड करें कि क्रोम ब्राउजर से अपलोड करें, दोनों में से किसमें जल्दी मतलब होगा, ज़्यादा मतलब कि व्यूज हमारा आएगा, ठीक है। जल्दी तो बात हम हटाइए उसका, जल्दी किसमें होता है पता नहीं, आज तक हम भी नहीं पता कर पाए, मगर ज़्यादा व्यूज़ के बारे में जो बात है उसके बारे में पता किए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ज़्यादा व्यूज़ किसी में नहीं आता है, जिससे व्यूज़ आना हो आ ही जाता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर मतलब कि 70% अपना वीडियो जो है कि यूट्यूब से ही अपलोड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करता हूँ, सारा कुछ समझाता हूँ, वैसे ही आपको करना है दोस्तों, 8-10-5 वीडियो करके देखिए। जैसे ही मैं यूट्यूब पे आता हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह दिखाई देता है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, अपलोड ए वीडियो, अगर शॉर्ट वीडियो तो शॉर्ट में जाकर के अपलोड करिए, अगर लॉन्ग वीडियो तो लॉन्ग करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लॉन्ग करते हैं, तो लॉन्ग के बारे में आपको बता रहे हैं, आपका किसी भी कैटेगरी हो, ठीक है। तो अपलोड ए वीडियो पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए अपलोड ए वीडियो आ गया, ठीक है। अब एक मान लीजिए ये हमारा वीडियो है, ठीक है, इसी को मैं ले लेता हूँ, 35 सेकंड का वीडियो, ओके, ये सला 35 सेकंड का वीडियो शॉर्ट में जा रहा है, तो इसको मैं अभी कट करता हूँ। एक लॉन्ग वीडियो मैं लेता हूँ, कौन सा लूँ मैं, ये मैं 1 मिनट कर लेता, देखिए ये चल रहा है हमारा, ओके, लॉन्ग वीडियो मैं बताया था, देखिए नेक्स्ट मैं करता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ, कुछ यहाँ पर खुल के आता है दोस्तों ऑप्शन आपके सामने कि ये क्या करना है इसमें आपको वीडियो अपलोड करते समय दोस्तों। अब देखिए यहीं पर मेन प्रॉब्लम है, मेन फंडा यहीं पर है, इसको समझना आपको जरूरी है, अगर समझेंगे तो कुछ आगे कर पाएंगे, वीडियो चलेगा आपका, नहीं तो मेरे भाई मुश्किल रहता है थोड़ा सा, चलता वीडियो, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी फंडा अगर सही से ना करे तो ना चले वीडियो, चलता है मगर थोड़ा सा मुश्किल होता है, बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आता है टाइटल की बारी, तो आपको देखिए टाइटल ऐसा डालना है ना, सर्च वाला टाइटल तो डालना ही है एक, ठीक है, और एक मतलब कि थोड़ा नॉर्मल टाइटल भी होना चाहिए, जैसे कि मतलब पढ़ के थोड़ा सा कहानी टाइप का टाइटल, ठीक है, कि कहानी बने, थोड़ा सा दिमाग में ऑडियंस को घूमे कि हाँ कुछ ऐसा है इसमें, उस टाइप का टाइटल भी थोड़ा सा एक होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका सर्चेबल टाइटल होना चाहिए, जिससे सर्च करे तब पर भी उसमें व्यूज आ जाए, और नहीं तो कोई कहानीबल मतलब जो स्क्रिप्टिंग टाइटल जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, वैसा टाइटल आपको लगाना। अब आप एक यूट्यूबर है दोस्तों, आपको खुद से समझना पड़ेगा किस टाइप का स्क्रिप्ट करें हम टाइटल में कि लोग हमको क्लिक करें वीडियो पे देख करके तुरंत भर में, ठीक है। आप एक यूट्यूबर इसलिए ऐसा भूलिएगा मत कि भाई हम पूरा क्लियर आपको बताएं, नहीं आपको नहीं भूलना कि हम एक यूट्यूबर हैं, तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं खुद से, ठीक है। बस मैं एक रास्ता आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका कैटेगरी किस टाइप का है मेरे को पता नहीं है मेरे भाई, आप कौन वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा ये किस किस कैटेगरी का देख रहे हैं, हमको नहीं ना पता यार, इसलिए आप अपना कैटेगरी के हिसाब से खुद से आपको अपना रास्ता दोस्तों बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है, 2 तरह का टाइटल मैं बता दिया आपको। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे मेन आती है ऑडियंस, थोड़ा सा एक चीज पे आओ ध्यान देना आपको, ऑडियंस में नो इट्स नोट मैड फॉर किड्स पे ही करना है, इससे क्या होता है कि हमारा कमेंट जो है ना अलाउ रहता है दोस्तों, अगर आपका कंटेंट बच्चों वाली नहीं है या कोई बच्चा उसमें शामिल नहीं है आपके कंटेंट में, तो आप उसको नो इट्स नोट मैड फॉर किड्स पे ही हमेशा करके अपलोड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपलोड वगैरह सब कुछ हो गया, अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं सीधा बैग, अब आखिर हम क्या लगाते हैं डिस्क्रिप्शन में और टैग में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ YT स्टूडियो में, अब जैसे यही वीडियो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी थोड़ा सा और इसमें बढ़ ही जाएगा, देखिए अभी 1.6 था ना, 1.7 हो गया, आपके सामने हो गया अभी, ठीक है, दिखाई दिया होगा आपको। देखिए यहाँ पर व्यू मैं करता हूँ, व्यू मोड पर गो टू एनालिटिक्स, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों कि वीडियो हमारा तुरंत डालने ही तुरंत चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके और भी कुछ मैं आगे बता रहा हूँ क्या क्या डिस्क्रिप्शन में और टैग में लगाना है, ठीक है। देखिए ये वीडियो क्या था दोस्तों, यहाँ तक कितना इसमें देखिए हो गया था, 24 अप्रैल को मतलब ये अपलोड हुआ था, ठीक है, यहाँ तक देखिए 320 ही व्यूज था, मतलब कि 12 घंटा के करीब में 300 व्यूज था बस, बाकी ये देखिए 12 से 18
छः घंटा का ज़्यादा मतलब यहाँ पर फर्क हुआ दोस्तों, तुरंत भर में देख सकते हैं कितना हो गया, 1576 व्यूज़ यहाँ पर है, मतलब कि 1707 व्यूज़ अभी तक कम्प्लीट हो गया। ठीक है, अभी मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा, देखिए फिर रिफ्रेश करूँगा, फिर से कुछ ना कुछ देखिए 1709 व्यूज़ अभी हो गया, आपके सामने हो रहा है दोस्तों ये। ठीक है, तो बात यहाँ पर समझ में हो गया होंगे आपका, मैं क्या बोलना चाह रहा था, तो बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब मैं चलता हूँ इसका सबसे मेन चीज़ डिस्क्रिप्शन में, देखिए मैं क्या लिखा हूँ टाइटल में, एक दिन में 1150 रुपये चैनल मोनेटाइज होते ही थैंक्स यूट्यूब जिंदगी बदल गई। ठीक है, तो ये क्या था, एक स्क्रिप्टिंग टाइटल था दोस्तों, कि आप पढ़ेंगे इसको तो तुरंत में आप क्लिक करेंगे। मैं क्या बोला, आप एक यूट्यूबर है, आपको खुद से दिमाग लगाना ये चीज़। ठीक है, कैसे क्या करें, तो हम बस रास्ता बता सकते, बोले ना मेरा टेक कैटेगरी, आपको बस सुझाव हम दे सकते हैं, बाकी आगे हम कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथों में, आपके दिमाग में क्या आप करेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में आता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ये तो डिस्क्लेमर वगैरह देना बहुत जरूरी है, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं दे दिया हूँ, उसके बाद मैं देखिए थोड़ा सा एक काम करता हूँ दोस्तों, कि जो अपना मैं टाइटल लिखता हूँ ना, उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ भाई, मेरे भाई कोई इतना खुल के नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसलिए अगर लाइक नहीं मारे तो एक लाइक मार दीजिए, चैनल पर नए हैं सीखना चाहते हैं कुछ, ये तो एक वीडियो दोस्तों, अभी आगे और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा आगे। ठीक है, सीखना चाहते हैं कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पर, कुछ चैनलों को मेंशन करता हूँ दोस्तों, मैं पहले के वीडियो में ये सब मेंशन नहीं कर रहा था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, पहला के वीडियो में क्या था मेरा, अब का वीडियो में क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ चैनल को मेंशन किया हूँ, तो आप भी क्या करेंगे ना, कि आपके कैटेगरी में जो बड़े चैनल होंगे दोस्तों, आपको उसके मेंशन करना है थोड़ा सा। ठीक है, ये सबसे पहला नंबर काम करना है। ठीक ना, ये चीज करना जरूरी है। देखिए मैं इसमें भी किया हूँ और टैग में मैं चलता हूँ, तो टैग में भी देखिए कुछ टैग में लगाया हुआ हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर टैग को ना, जो सर्च वाले टैग होते हैं दोस्तों, ठीक है, सर्च करने वाला टैग, वो मैं लगाया हुआ है। ये तो एक वीडियो हो गए दोस्तों, इसमें आप समझ गए। अब एक आध वीडियो और मैं दिखाता हूँ, जिससे कि आपका भरोसा थोड़ा सा और भी मतलब जमे, यहाँ बात बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ, इसमें आपको मैं सारा कुछ खुल के बताना चाहता हूँ यार, कि आप भी बस देखिए, मैं साथ में आपको लेके चलना चाहता हूँ। मैं शुरू में बोला ना कि आप रहेंगे तभी हम रहेंगे, नहीं अगर आप नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कुछ नहीं चलने वाला, कहीं वीडियो नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको लेके चलना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी मैंने वही काम किया, मैं जैसा बोला आपको कि मैं कुछ चैनलों को मेंशन करता हूँ दोस्तों जरूर। ठीक है, और एक यहाँ पर टाइटल को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसमें भी देखिए मैं किया हूँ, बाकी नीचे मैं नहीं लिखता डिस्क्रिप्शन में कुछ उतना ज़्यादा, जैसे मिसलीडिंग कीवर्ड वगैरह नहीं लिखते हैं लोग बहुत ज़्यादा भर भर के, उससे चैनल चलता है हमारा, वीडियो चलता है, वैसा मैं नहीं लिखता दोस्तों। ठीक है, मैं बोला ना स्टार्टिंग में, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। ठीक है, सबका वीडियो किसी तरह से चलते रहता है, मगर एक चीज़ मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि YouTube जो है ना, यहाँ पर अपना जो पॉलिसी जो है ना, हमेशा चेंज करते रहता है। ठीक है, इसलिए हम एक ही चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं 8-10 दिन के करीब में, कि जो भी पॉलिसी उस समय चलता हो, है ना, मतलब कि जिसको वो कह सकते हैं एल्गोरिथम चेंज दोस्तों, है ना, आप लोग सब जानते हैं कि YouTube एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है 24 घंटा में, कई बार चेंज करता है। तो यार हम कोई जरूरी नहीं है कि एक तरीका से वीडियो डालना है तो वैसे ही डालना, नहीं, उसको कम से कम 2-4-10 वीडियो में ट्राई करके उसके बाद अपना तरीका चेंज करिए, वीडियो को कम बेसी मतलब कि अप डाउन पब्लिक करिए, अप डाउन मतलब कहने का मतलब कि टाइम बे टाइम उसे भी ट्राई करिए करके, आप कौन सा कब चल रहा है। ठीक है, ये सब तरीका है दोस्तों। ओके, यहाँ पर देखिए ये सब अभी का रिसेंट वीडियो है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ पुराना वीडियो में, आखिर मेरा पुराना वीडियो क्यों नहीं चल रहा था, ये देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यही वीडियो है कोई। ठीक है, किसी को भी ले लीजिए आप, कोई भी वीडियो को मान लीजिए, कोई किसी को मैं दिखाता हूँ आपको, यही वीडियो मान लीजिए 130 व्यूज़। ठीक है, अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो मैं कॉपी पहले से ही करता आ रहा हूँ, देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन कॉपी किया हूँ। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, हाँ ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं कॉपी किया, बहुत कम इसमें तो दोस्तों GB है ना, बहुत जल्दी भर जाता है, मैं सोचा कि भर गया क्या अभी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कॉपी करता था मगर @ मेंशन मैं नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसके वजह से हो सकता है मेरा व्यूज थोड़ा सा क्या कम चलता ही नहीं रहता दोस्तों पहले, और अब देखिए चल रहा है दोस्तों। तो इतना अब खुल्लम खुल्ला भाई मेरे, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई बताया होगा YouTube पर, तो बस ये सब अप्लाई करिए। और एक चीज़ मैं लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा बोलना चाहूँगा, कुछ ऐसा लालची टाइप का वीडियो आपको बनाना पड़ेगा अपने कैटेगरी में सोच करके। ठीक है, चाहे लालची हो चाहे रोस्ट हो, जो भी हो अपना कैटेगरी में, जो भी आपका बड़ा चैनल हो कोई, उसके ऊपर रोस्ट वगैरह कुछ, जो अच्छी बात है चाहे कुछ बुरी बात है कुछ भी बताइए। ठीक है, जिससे कि मतलब लोग आपके चैनल पर आए, अगर एक वीडियो आपका देखेंगे तो कल आप वीडियो दूसरा डालेंगे तो उसका भी लग, उसको भी लोग जो है ना आपको देखेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, इतना वीडियो लंबा आप शायद देखे भी नहीं होंगे अभी तक, बहुत लोग छोड़ भी दिए होंगे, मगर जो वाकई में अपने चैनल से सीरियस होंगे वो देखे होंगे वीडियो। ठीक है दोस्तों, वीडियो बस मेरा यहीं तक रहेगा, मिलूंगा अब नेक्स्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक मारिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।